फिर से एक बार खबर सामने आई कि तृणमूल के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। ये खबर भी श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र के डोमजूर थाना क्षेत्र की है, जहां के मैडन इलाका काफ़ी गर्म है। बताया जा रहा है कि हाल ही में पंचायत चुनाव के बाद ISF के कार्यकर्ता जो कि तृणमूल में शामिल हुए थे, उन पे ही यह आरोप लगा है कि उन्होंने मारपीट की। बताया जा रहा है कि महज एक बूथ के हार जाने के बाद इस तरह का मामला सामने आया है। पूरे इलाके में CRPF और पुलिस की निगरानी पड़ गई है। पूरे इलाके को जो है चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस मामले से पूरे इलाके में गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि पूरे राज्य में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बहुत जगह जो है हिंसा भड़की हुई है। कहीं पे BJP तृणमूल की है तो है, तो कहीं पे तृणमूल से ही भिड़ी हुई है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है जो कि श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र के डोमजूर थाना के अंतर्गत की है, जहाँ पे तृणमूल कार्यकर्ता आपस में भिड़े। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट, क्या कुछ कहा लोगों ने। दादा की घटना घटे जो बोलते सर, ये इलेक्शन में पड़े कल के रेजल्ट आउट होते আমাদের দাসপাড়া তিনটে পার্ট, আমাদেরকে একটা পার্টে দায়িত্ব দিয়েছিল, সেই পার্টে আমরা জিতি। এই পার্টে 56 পার্টে হাতি নাকি ভোট পেয়েছে, ঠিক আছে, ওই 300 উপরে ভোট পেয়েছে। তো ও বলতে চাইছে যে আমার মদতে ভোট পড়েছে। আমি কিন্তু যখন আমাদের MLA সাহেব আমাকে 55 পার্টে দায়িত্ব দিয়েছিল, আমার 55 পার্টে পড়েছিল, 56 পার্টের সাথে আমাদের কল্যাণ ঘোষ এ আমাদের পার্টেই আমরা সীমাবদ্ধ ছিলাম। তো এই পার্টে ওরা কী করেছে, যারা ISF করেছিলো গতবারে ওদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিল, ঠিক আছে, ওদেরকে মানুষ মেনে নেয়নি গো, সেইটা আমাদের উপরে রাগ করছে। আমাদেরকে ওই যারা এখন ISF-এর ছেলেরা এখন তৃণমূলে ঢুকেছে, ওরাই মেরেছে। ওরা ISF করছিল, পঞ্চায়েত এখন তৃণমূল করে। হঠাৎ আমি আমার মেয়েকে আনতে যাচ্ছিলাম স্কুল থেকে, ঠিক আছে, আমাকে রাস্তায় ধরে ওই ধরক মার, কোনো কথা বলার সুযোগ দেয়নি। কালকের ব্যাপার আমি যাই না, আমার নাম শেখ সাইফউদ্দিন। আমাদের শরীর ফিট আছে বলে ফিটে যেভাবে মেরে দেখবে ওই জন্য দুজনই আমরা দশজনে আমরা দরকার। কালকে ওরা কেস করে দেবে।